तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि क्या सही में परीक्षाएं नहीं होंगी, होंगी या नहीं होंगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं जो भी स्टूडेंट कमेंट करता, आप लोग कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे, मैं सभी के कमेंट पर रीड करता हूँ, उसके बाद मैं सभी के कमेंट लगभग रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, ये मैं सभी, ये नहीं है कि मैं आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। तो कुछ ऐसा हो रहा है मेरे साथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर बताइए क्या सही में परीक्षाएँ नहीं होंगी, क्या सही में परीक्षाएँ नहीं होंगी। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कुछ अफवाहें उड़ रही हैं, वो अफवाह क्या है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। दोस्तों एक बात और है कि किसी ने न्यूज़ चैनल की तरह पोस्टर बनाया, ठीक है, न्यूज़ चैनल जैसे आप लोग देखते हैं उसी तरह के पोस्टर थंबनेल्स बनाया और उसी पे एक न्यूज़ चैनल का जो लोगो होता उसे चिपका दिया। ठीक है, तो लोगों को लगने लगा कि ये सही की न्यूज़ है। चलिए आगे देखते क्या हुआ, लोगों ने चिपका दिया और वही पोस्टर इमेज यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉरवर्ड और शेयर होने लगा। अब भाई किसी के पास आया, उसने तो फॉरवर्ड कर दिया कि भाई मैं अपने जो हमारे संबंधित दोस्त हैं या रिलेशन के हैं उनको मैं फॉरवर्ड कर दूं। तो वो इसी तरह फॉरवर्ड करते करते काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है और यहाँ तक कुछ लोग उसे पोस्टर को स्टेटस पर भी लगा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट को लगता है कि ये सही है, ये सही न्यूज़ है, ये सही इन्फॉर्मेशन है। बट मैं आपको बता दूँ ये गलत है। और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह की फ्रॉड सूचनाएँ या फ्रॉड न्यूज़ आप किसी तक शेयर मत करिए, किसी तक फॉरवर्ड ना करिए। ठीक है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं आपको बता दूं सही जानकारी कि ये जो जिन्होंने भी अफवाहें उड़ाई हैं क्या सही में परीक्षाएं नहीं होंगी, बिल्कुल गलत है। परीक्षाएं सभी की होंगी, कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपको पता ही है, एग्ज़ाम होंगे पर थोड़ा लेट में होंगे। देखो मैं आप लोगों को ये बता दूं, क्योंकि ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट में, तो मुझे लगा कि आप लोगों तक वीडियो बनाना ज़रूरी, क्योंकि मैं इंडिविजुअल एक एक स्टूडेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता। मैं देता हूँ रिप्लाई मैक्सिमम स्टूडेंट का, लेकिन बहुत सारे ज़्यादा कमेंट आ चुके थे तो मुझे लगा वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है और आप तक ये सही जानकारी प्रोवाइड करूं कि होंगे कि नहीं होंगे। तो फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे बट लेट में होंगे। ओके, जैसे भी एग्जैक्टली कोई इन्फॉर्मेशन आती है, न्यूज़पेपर में आता है या मुझे यूनिवर्सिटी से कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मैं आप तक प्रोवाइड करूँगा सारी सूचनाएँ। मैं आप लोगों को कुछ भी अपडेट आता है तो पहले इन्फॉर्मेशन करता हूँ, तो इसके लिए आप फालतू की अफवाहें आपको किसी तक फॉरवर्ड नहीं करनी, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, प्लीज़। ठीक है, तो मुझे लगा वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने वीडियो बनाई। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और हाँ, आप लोग के पास टाइम है अच्छे से तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं जो कि आप लोगों के सब्जेक्ट से भी हैं, उनको देखिए और अपनी तैयारी करिए, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी अगर पूछना चाह रहे हैं कुछ भी आप, तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।